अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। आज जो वीडियो लेके आया हूँ मैं वो राइस के मतलब है। राइस के एक इनकलाबी वराइटी जो कि काला शिकाव रिसर्च इंस्टीट्यूट जो राइस का है लाहौर के पास, जो पाकिस्तान में राइस की वराइटीज़ डेवलप करता है, गवर्नमेंट की तरफ से इदारा है, उसने बनाया है राइस का हाईब्रिड। बासमती राइस का पहला हाईब्रिड पाकिस्तान में बनाया है, बल्कि दुनिया में कह लेंगे पहला हाईब्रिड है राइस का जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने बनाया और जिसका पोटेंशियल है तकरीबन 115 मन, जो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने अभी तक उसकी रिक्वायरमेंट बताई है, पोटेंशियल बताया वो 115 मन है फी एकड़। तो ये एक हाइब्रिड है बासमती का, जो कि एक पुरानी बासमती थी 385 के नाम से, किसानों को याद होगी, बहुत ही एरोमेटिक बड़ी ज़्यादा खुशबूदार वैरायटी होती थी, वो वैरायटी का ये हाइब्रिड है। उस वैरायटी को क्रॉस करवाया गया है एक कोर्स राइस की वैरायटी के साथ, उसका हाइब्रिड तैयार किया गया और उसमें पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है और इसमें सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो बासमती के इसमें पूरे हैं। इसमें खुशबू है, एरोमेटिक है बहुत ज़्यादा, लॉन्ग ग्रेन है, साइज़ इसका बड़ा होता है और हाई पोटेंशियल है कि यानी कि हाइब्रिड के जो कोर्स राइस का मोटे चावल का जो हाइब्रिड है उसके बराबर इसकी पैदावार है। अभी जो आप जो मेरे सामने ये पीछे फसल देख रहे हैं ये 1509 की है, ये राइस बासमती राइस है 1509, ये उसकी आप फसल देख रहे हैं। तो ये फसल जो है, इस फसल का इस वैरायटी का पोटेंशियल जो है वो 70 मन है, 70 मन तक पैदावार ली जा सकती है और आमतौर पर किसान 60-65 मन, 50-55-60-65 अपनी जैसी भी वो उसको ख्याल रखता है, उसकी देखभाल करता है, उसके मुताबिक पैदावार ले लेते हैं। तो ये समझ लें कि ये 125-120 मन तक जाएगा तो ये समझ लें कि उसमें 70-80% का इजाफा है, जो मौजूदा वैरायटीज है उससे 70-80% का इजाफा है। और इस जो हाइब्रिड की सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत, इसमें खुशबू बहुत ज़्यादा है, इसका जो दाना है वो जो पकने पे आता है वो 6.75 mm का होता है और पक के वो तकरीबन 13.6 mm का, यानी कि उसका साइज़ पकने के बाद डबल हो जाता है, जितना साइज़ उसका पकने से पहले होता है उससे वो डबल हो जाता है। ये जो 1509 है ये इसमें खुशबू नहीं है, ये बासमती की वैरायटी है लेकिन ये खुशबू के बगैर है, नॉन एरोमेटिक वैरायटी है, इसमें कोई खुशबू नहीं है इसके। लेकिन जो ये जो हाइब्रिड बनाया जा रहा है जिसका जो नाम रखा गया है KSK111H, KSK मींस काला शह काकू, यानी कि जहाँ पे वैरायटी बनी है, और ट्रिपल लाइन वन उसकी लाइन होगी जिसकी लाइन से ये वैरायटी बनी है, और एच का मतलब है हाइब्रिड। और ये इस साल गवर्नमेंट जो है उनका इरादा है कि गवर्नमेंट ये किसानों को देगी लगाने के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी या वो फार्मर को मिलेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फार्मर्स को पता हो कि ये वैरायटी आ रही है, ताकि वो अपने कैलेंडर में जब राइस ऐड करें तो उसमें राइस की कौन सी वैरायटी ऐड करनी हो तो उनके जहन में पहले से हो कि राइस का हाइब्रिड जो आ रहा है बासमती का वो लगाएंगे। बासमती की डिमांड बहुत ज़्यादा है दुनिया में, आपको पता पाकिस्तानी बासमती की दुनिया का सबसे अच्छा बासमती पाकिस्तान में मिलता है, तो उसकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए और उसका रेट भी कंट्रोल और किसान को भी फ़ायदा, तो ये हमारे जो साइंसदान है जरिए एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के, उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है, उन्होंने राइस कैसे हाइब्रिड तैयार कर लिया है जो कि फुल एरोमेटिक है, फुल खुशबूदार है, डबल ग्रेन साइज देता है। इसके अलावा जो मैं आपसे, और इसकी जो है कि वो बासमती राइस की तरह लगाना है आपने, उसी मौसम में लगाना है, यानी कि जुलाई के शुरू में आपने उसकी पनीर ट्रांसफ़र करनी है खेत में, और वो तकरीबन, और इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा कि 100 दिन के अंदर अंदर, 105 दिन 100 दिन इसके अंदर ये तैयार हो जाएगा। आम बासमती तकरीबन 135-140-150 दिन मुख्तलिफ वैराइटीज़ के हिसाब से लेती है, यानी कि उससे 3 हफ्ते पहले पक जाएगी, यानी कि जो वैराइटी आपकी गंदम लेट करती है कि आपको नवंबर में जाके पकती है, तो वो अब आपकी अक्टूबर में पक जाया करेगी, आपकी गंदम भी टाइम पे आएगी और आपकी गंदम को भी सपोर्ट करेगी, उसकी उसका भी ये अच्छा उससे फ़ायदा मिलेगा कि उसकी पैदावार भी टाइम पर लगने की वजह से अच्छी होगी, गंदम की पैदावार भी। तो ये जो राइस की वैराइटी है ये हर किसान के लिए एक कह ले कि ताज़ा हवा का झोंका है, और इसमें जो रिकवरी की परसेंटेज है ये भी एक बड़ी अहम होती है। वैरायटी जो होती है वो मार्केट में आ जाती है लेकिन पिट जाती कई दफ़ा, क्यों कि जब उसको शेलिंग के लिए लिया जाता है तो शेलिंग करते वक्त उसमें से दाना टूटता बहुत है और उसके ऊपर यानी कि खर्चा बहुत आ जाता है, उसके ऊपर से जो आउटपुट निकलती है जो आपका शेलर वाला है उसकी कम निकलती है। इसमें 58% इसमें से दाना साबुत निकलेगा, यानी कि बहुत अच्छी, आमतौर पर 54-55% हो तो उसको बहुत अच्छा गिना जाता, तो इसमें ये भी करैक्टर अच्छा है कि ये इसका दाना टूटता नहीं है जब इसकी शेलिंग की जाती है, जब इसको उसकी पॉलिश की जाती है, जब इसको तैयार किया जाता है तो इसमें भी ये टूटता नहीं है। इसकी बासमती भी, इसका सैला भी बन सकता है और ये कच्ची बासमती के तौर पर भी खाया जा सकता है,
और ये बहुत अच्छी वैरायटी आ रही है, यानी कि जो इसको के इनकलाब आ रहा है किसान की जिंदगी में, तो ये बुरा नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात नहीं है, बिल्कुल किसान की, किसान के लिए इनकलाब आ रहा है। जो हमारी एरोमेटिक वैरायटीज की जो खुशबूदार जो बासमती उनकी जो बाहर डिमांड है, इसको पूरा किया जाएगा। और इसके बाद ये बहुत सी बकाइनी डिजीज है एक राइस को, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट है। उसके अलावा ये ब्लाइट और ब्लास्ट के खिलाफ इसमें रेजिस्टेंस मौजूद है। तो 385 जैसे मैंने जिक्र किया बासमती 385, वो इसीलिए नाकाम हो गई थी कि उसके ऊपर बकाइनी डिजीज होती थी, कि वो उसके जो होते थे टीले, जो कहते हैं इसके जो होते हैं टीलर, ये बिल्कुल पतले हो जाते थे और लंबे निकल जाते थे, और उसके ऊपर जो है वो फ्रूट नहीं लगता था। इसमें ये बहुत सी यानी कि जो बीमारियां हैं आम रूटीन की, बकाइनी है, ब्लाइट है, ब्लास्ट है, उसके खिलाफ इसमें रेजिस्टेंट है ये, और वायरस यानी कि ये इसको ज़्यादा जल्दी से इसमें बीमारियों का अटैक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज वो मैं जो वीडियो मैंने पहले बनाई जिसमें दो तीन चीज़ें मैं मिस कर गया था, तो मैंने दोबारा उसमें ऐड कर दूँ। एक तो थे ये जो वैरायटी है KSK111H, ये इसका जो बीज है वो 5 किलो फी एकड़ के हिसाब से, जैसे हाइब्रिड राइस जो होता है कोर्स साइज, उसका 5 किलो बीज इस्तेमाल होता है, इसका भी 5 किलो बीज इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी कीमत भी तकरीबन उतनी ही होगी, 6 से 7 हज़ार के दरमियान। तो इस साल यानी कि इसकी आएगा इस साल में किसान के पास 6-7 हज़ार के क्या 5 किलो का बैग आपको मिलेगा। और ये इसमें एक और चीज़, इसकी खादों की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है आम जो फर्स्ट राइस की क्रॉप लगती है उसके वाले से, बासमती से। इसमें 3 बोरी यूरिया आपने डालनी है फी एकड़, और वो आपने गोब की हालत में आने से पहले पहले पूरी कर लेनी है, और आपने 1.5 बोरी DAP डालनी है, और वो DAP आपने उसकी ज़मीन की तैयारी के वक्त ही डाल देनी है। उसके बाद आपने 1 बोरी SOP इसमें डालनी है, और वो तब डालनी है जब ये गोब की हालत में आना शुरू हो जाए, यानी कि 2% या 5% पौधे वो गोब की हालत में आ जाएं, तो फिर आपने इसमें SOP डालनी है। और ये जो आपको सीड है मोस्ट, ये गवर्नमेंट खुद नहीं बेचेगी, ये काला शिकाको इंस्टीट्यूट है या पंजाब सीड कॉरपोरेशन, ये खुद नहीं बेचेगा, ये आपको बीज मिलेगा किसी भी प्राइवेट जो कंपनी है उसके हवाले से, क्योंकि ये सीड बेच रहे हैं और 3-4 कंपनीज के साथ इनकी बात चल रही है, जिसमें गार्ड सीड वाले हैं वो सबसे ज़्यादा आगे हैं। इसके अलावा सन क्रॉप जो है उनकी उनकी बात चल रही है, तारा ग्रुप है जो उनकी बात चल रही है, ये 3-4 ग्रुप की इनके साथ बात चल रही है, जो इन्हें अच्छा रेट देगा बोली के ऊपर ही उन्हें मिलेगी, जो अच्छा रेट देगा उसे ये बीज दे देंगे, और वो आगे मल्टीप्लाई खुद करके किसानों को वो खुद इस साल बेचेगा। तो इस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। मज़ीद कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया।